आवर चैनल हम लोग फिर से निकल पड़े दोस्तों। yes. आज हम जा रहे हैं दुबई की तरफ। यहाँ पे हम पूरी फैमिली है, भाई थोड़ा रेस्टोरेंट पे है और वी आर गोइंग टू ममजार पार्क। उधर अभी उत्तरायण है तो काइट फेस्टिवल चल रहा है, तो हमें भी देखना है कि उधर कुछ ऐसा मेड़ वेड़ आ गया जो पतंग वतंग उड़ाने का, तो करेंगे देखते हैं। उधर हमारे साथ है यहाँ पे मामा। हेलो चिकी। यस साथ में हमने ये चिकी ली हुई है, तिल की है और सिंग क्या बोलते हैं वो, मूंगफली की है, चिकी एंड चा। यस और दोस्तों यहाँ पे मम्मी भी है सामने, वो लस्सी मार रही है। यस मीठी लस्सी। साथ में है समोसा और इसमें समोसा ले लिया है और डैड यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, वो भी चाय पी रहे हैं। हेलो चिकी ने चाय के भी लगे मस्त लगे एकदम मजा आ गई ने मसी चा मोरी ना लगे डीडी नो लगे एउ अपने ने चाय समझी ने पीवान मोरी समझवान। ओके ऐसे ही सब मिल के जब गाड़ी में बैठे बैठे भी नाश्ता करते हैं ना तो क्या मजा आता है। मोजड़ी पड़ जाए टेसड़ा। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों। ममजार पार्क पहुंच गए हैं और डैडी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। मामा और बेन गए हैं पार्क की टिकट वगैरह देखने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाहर ही मस्त काइट फेस्टिवल चल रहा है। इतने सारे लोग यस प्योर इंडिया वाली फीलिंग ना वो जग गई है, जोर जोर से डीजे सब कुछ बज रहा है, तो देखते हैं दोस्तों कैसा माहौल है और आपको भी दिखाते हैं। ये दोस्तों जैसे इंडिया में सड़क के बीच ऐसे पतंगे पड़ी हुई होती है, वैसे ही इधर भी पतंग पड़ी हुई है और देखिए आकाश में शायद आपको पतंगे दिखेगी। ये दोस्तों कितनी सारी पतंगे यहाँ पे यूएई में हम आकाश में देख सकते हैं, बहुत सारी पतंगे ऐसे मस्त मस्त चग रही है। और देखिए सूरज दादा, इतनी सारी धूप नहीं है क्योंकि अभी पवन भी है तो विंटर वाली फीलिंग भी आ रही है। हमारे घर के जाबाज दो धुरंधर ऐसे चल के आ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे माहौल देख के आए हैं।
आर यू रेडी फॉर काइट फेस्टिवल? यस। मैंने कई पतंगो देखाई छे। अरे बहुत बड़ी देखाई छे। इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, पार्किंग एरिया फुल है, फुल। अभी भी डैडी गाड़ी को पार्क करके नहीं आए हैं। हम पिछले 6-7 मिनटों से पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो मामा ने ना वो इंडिया की जो मोज लेते हैं ना, ऐसे दोरा नीचे पड़ा हुआ होता है, ऐसा 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 किसने किसने किया है? वाह मामा वाह, क्या बोलते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको क्या बोल रहे हैं? आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये इसको क्या बोला जाता है। दोस्तों, जो मामा ने सब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था वो कम किधर पहुँचा है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मामा, दो कलर के आपके पास ऐसे दोरे मिल गए आपको, वो देखो। ओ, यहाँ पे क्रिश भी ऐसे दोरे को लपेटते हुए। गाइज, हम लोग पहले जो आपको नजारा दिखाया था वो ममजार पार्क का फ्रंट था। अभी हम लोग आ गए हैं ममजार बीच पे। यहाँ पे देखिए, जबरदस्त पानी दिख रहा है, साथ में फैसिलिटी भी इतनी है। वहाँ पे लाइफ गार्ड का पूरा देखिए पोस्टिंग है, वो हमेशा ध्यान रखते हैं। फिर अगर आपको ये पानी में ये दिख रहा है ना, तो जो ऐसे येलो जो ऐसे टपकड़ा जो ट्यूब्स या जो भी दड़ा बोल रहे हैं आप, दिख रहे हैं तो उधर तक ऐसे बाउंड्री बनाई हुई है कि इसके आगे तो आप लोग नहाने नहीं जा सकते, क्योंकि यू नो दैट इज डेंजरस, तो वो भी लिमिट है। फिर यहाँ पे डस्टबिन की सुविधा ऑफ कोर्स, एंड देन वहाँ पे आगे जाके ये शावर्स की भी सुविधा है, सो विच इज अमेजिंग। एंड वॉशरूम्स भी है, प्रेयर रूम्स भी है, सब है। तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा है। आप ना भी सकते हो, आप यहाँ फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो। yes. यानी कि पूरा दिन हो छुट्टी वाला, तो आप यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय कर सकते हो। yes. देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसे पुछड़िया होता है ना इंडिया में, जैसे हम पतंग के पीछे ऐसे पुछड़ी बांध के चगाते हैं, वैसे उड़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पे देखिए मस्त मस्त ऐसी काइट यहाँ पे सब लोग उड़ा रहे हैं, चगा रहे हैं। ब्रो, आपके लिए मैंने एक चीज देखी। मैं बताऊं आपको? बताओ। देखिए, ये दोस्तों अलग से साइकिल ट्रैक है बीच में से, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे लोग साइकिल चला रहे हैं। मुझे भी साइकिल चाहिए। तो यस। ओके। घर पे नहीं चले। और उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये जो ट्रैक, वो वॉकिंग ट्रैक है, वो रबर का जो बेस होता है, तो एकदम पोचू जी लगे ना, पोचू हर वक्त मजा आता है, घर पे चलने का मजा। यस। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपके लिए एक चीज ढूंढी है। क्या? मैं बताऊं? अब कौन सी ड्यूटी है? ये देखो दोस्तों, शावर। तो दोस्तों, घर पे नहाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके पहले ऐसे दरिया में नहा लो, फिर यहाँ पे आके ऐसे नहा लो, तो घर पे नहीं नहाने का। ओके। पर आज एम तो मैं नथी नहाया ने, एटले उस नहीं पता ना दोस्तों, मैं नहा के आई हूँ, ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया भी लग रही हूँ, खूबसूरत भी लग रही हूँ। अच्छा, ओके। चलो, ये सब तो मजाक की बातें हैं, बाकी ये पुछड़िया देखिए। और बेन इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, मॉम और डैड मामा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मस्त वेदर को। हेलो डैडी, कैसा लगा आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे लोग सब मौज कर रहे हैं। हाँ, यस। हाय मम्मी। ज्यादा अच्छा लगा। ओ वाओ, देखिए दोस्तों, बादाम आपको इधर भी, लेकिन आपने इधर भी बादाम को ढूंढ ही लिया। थोड़ी सी पक गई होती तो ज्यादा अच्छा होता, कच्ची भी। लेकिन हम इसके साथ बातें कर करके इसको पका नहीं देंगे। पक जाएगी, शाम तक तो पक जाएगी। है बेन, मैं और आप बात करेंगे तो 100 नक्का है।
हाँ मामा ने बोला नहीं पक जाए लाल लाल हो जाए। मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है हमारे एग्जाम्पल, मेंटल हॉस्पिटल सबसे पहले तो करती है बिल्कुल हमारे पे गई है हमारी और अब बहू भी हम पे आ गई है। यस नीम से, हाँ नीम के पेड़ से बादाम उठाई हुई है दोस्तों। दोस्तों हमने दो चार राउंड ना लगा लिए हैं और यहाँ पे देखे पीछे बेन और मामा फोटो वीडियो, मैंने भी 200 करोड़ वीडियो और फोटो बनाई है। और अभी मैं दिखाती हूँ मॉम डैड क्या कर रहे हैं। मॉम डैड ना इधर ऐसे मस्त चटाई बिछा के बैठ गए हैं और बोल दिया कि बच्चों आपको जो करना है ना वो कीजिए। याद है ताजा करें, जब लक्ष्मण कृष्ण छोटे थे ना तभी हम ऐसे आते थे थोड़ा बहुत खाना लेके। अभी देखो आज इसमें चवाड़ा लिया है जो मैंने घर पे कल बनाया था। ये इसमें क्या क्या डाला हुआ है मम्मी? इसमें मूंग और चना दाल। वाओ तो ये लेके जब हम आते थे ना तो बच्चे उधर खेलते रहते थे और हम दोनों ऐसे बैठते थे, तो आज हमको वो पुरानी याद ताजा हो गई कि आज हमारे बच्चे फिर से वहाँ खेल रहे हैं और हम दोनों इधर बैठ के मजे ले रहे हैं। यस मजे ही मजे हैं। और देखिए पीछे कितना सन मस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी ऐसा लग रहा है कि इसको देखते ही जाए। दो दो मजे है ना। अभी हम सनसेट भी देखेंगे, पानी भी देखेंगे और ढेर सारा इधर जो लेके आए हैं ना वो खाएंगे भी। दोस्तों पेट में बहुत बड़ा सा खड्डा पड़ गया है तो यहाँ पे हम रेडी हो गए खाने के लिए। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे जो बादाम के साथ है और चिक्की भी है साथ में, ये चवाना भी है, वड़ा भी है। वाओ तो भी ऐसे मस्त यहाँ पे बैठे बैठे ले रहे और ये हम लोग जब छोटे थे ना तो कमलाबाग जाते थे या फिर चौपाटी जाते थे, उधर सेव मोमरा और पेड़ वगैरह वो सब लेके उधर जाके मिक्स करके फिर खाते थे, वो वाली यादें ताजा हो गई दोस्तों। ये कच्ची बादाम की मैं चटनी बनाने वाली हूँ तो ये बने रही है हमारे साथ। ये पतंग देख के हम लोग आ गए हैं, उधर समोसा वमोसा खाया था ना वो सब हजम हो गया है और अभी देखो ये देसी जुगाड़। यस ओनी बना रही है रोटला। यस और वो भी कहाँ पे इधर देखो तापनु ने हाँ चूलो, ये जो बारबेक्यू मशीन आता है ना इधर उसके ऊपर हमने तावड़ी रखी है और आज रोटला करना है वही पे। देखो जोरदार रोटला बनने वाला है और साथ में है दही और टमाटर का सब्जी, तो बस ऐसी मौज हम आज आंगन में बैठ के लेने वाले हैं, है ना। मुंह में पानी आ गया दोस्तों, लगता है कि ये जल्दी से बन जाए, जल्दी से शुरू कर दे। जम जाओ मित्रों, आपका स्वागत नहीं मेरा स्वागत है इस व्लॉग में, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है ना मुझे, तो मैंने खुद ही ले लिया इसमें। देखो यहाँ पे फिन्स है, ये फेवरेट मेरी यहाँ पे चिप्स, आजकल की फेवरेट है ये मेरी चिप्स, बदलती रहती है थोड़े थोड़े टाइम पे। और यहाँ पे है दही बैंगन का भरता, यहाँ है दही बैंगन का भरता, नहीं दही हो रहा है बैंगन के भरते में दही। भाई बोल रही ब्रो दैट्स बैंगन का भरता दही वाला है ना, दही बैंगन का भरता होगा तो फिर दही का भी ऐसा भरता करेंगे। नहीं नहीं इसको तू क्या बोलेगी हिंदी में? दही हो रहा ये हालत है, क्या करेंगे दोस्तों अभी आप ही मुझे बताओ। और यहाँ है दही टमाटर की तिखारी, बोल इसके कुछ टिप्पणी है। आई टेक बैक माई वर्ड, तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और दोस्तों थोड़ी सी चाय है, यहाँ दूध है और ये मोतीचूर का लड्डू स्पेशल आया है। रोटली भी है, रोटला भी है, एक घुस गया किधर, रोटला भी बनाया है। रोटला है, सादा पराठा है, चपाती है और ये खबूस भी है यहाँ पे। और हमारे पास मामा भी है, देखो आई एम किमचू, मजा आ रहा है तुम्हें किमचू।
ये क्या है? ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी भी है दोस्तों, और हमारे पास प्लेट भी है जिसमें हम खाना खाएंगे। हेलो मामा, आ भी जाओ। सॉरी, मैं मामा की जगह पे खड़ा रह गया था। और यहाँ पे देखो, स्थानिक कचहरी, बिस्मार रस्ता, ये पोरबंदर में यही चलता है, मालूम नहीं। अभी हम लोग गुजरात न्यूज पोरबंदर देखते देखते खाना खा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या खाना था, और ये अवनी मम्मी को परेशान कर रही है, और मम्मी लगभग मारने ही वाली थी लेकिन नहीं मारा, इसको छोड़ देते हैं आज। हैं और यहाँ सब लोग यहाँ विराजमान हैं, और मैं लेके आया हूँ दोस्तों ये तीन तीन, तो मैं कहा था इसे मम्मी ये बटको भर खंभा टूटी गया। वो बात तो सही है, अभी खाना खा के उठी हो, भूखी हो तो फिर खा लो। परेशान करे मम्मी चलो अभी कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा था ये देखो दोस्तों, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। मुझे इतनी नहीं पसंद है लेकिन मैं इसमें से नट निकाल निकाल के खाऊंगा, फ्रूट में जो किशमिश आएगा वो मेरे को पसंद है। तो ये अवनी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं सोचा आज इसके लिए लेके आते हैं। मारा बेटा ताड़ियों ना गड़ाती बताओ, बोलो। कोई बात नहीं, आप इसको खाएगा हिम्मत, क्योंकि इसमें से निकाल के खाने की क्या मजा है। तो इसको बालों में ये कैमरा चालू है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है, रियल में तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगा। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। बाकी तमे जो लेना ही होता ने जो लेने जासो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय।